डीएचए सिटी ईसी टाउन हाउसेस की ग्राउंड ब्रेकिंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद डीएचए सिटी में किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए सिटी ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफा ने इफ्तिताह किया। डीएचए सिटी जहां मुख्तलिफ कैटेगरी की रिहायशी प्रोजेक्ट की तैयारियां तेजी से जारी हैं, वहां इजी टाउन हाउसेस के तामीराती कामों की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए राय आसिम मुस्तफा के हाथों हुआ। इस मौके पर टाउन हाउसेस के खसूसियात के हवाले से आगाही दी गई। मार्केटिंग मैनेजर इजी बिल्डर सैयद अबुल हसन का कहना था, टाउन हाउसेस तर्ज तामीर के लिहाज से जदीद और मुनफरिद होंगे। आज हम ये इजी टाउन हाउसेस की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने की है। यहाँ पर जो ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा जो एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए कराची हैं, उन्होंने ये की है। इंशाल्लाह एक से डेढ़ साल के टाइम में हम ये टाउन हाउसेस कम्प्लीट करेंगे और ये तकरीबन 100 के करीब टाउन हाउसेज हैं जो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। 125 गज इनका साइज है। ग्राउंड प्लस वन पे ये बनने जा रहे हैं डीएचए सिटी के सेक्टर 14B में और बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंशाल्लाह इसकी होगी। और इससे पहले हम डीएचए सिटी कराची के अंदर सेक्टर 3A के अंदर डीसी के रेजिडेंशिया के नाम से 300 गज की ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग हम इस वक्त डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें लोग जो है वो ऑलरेडी रह रहे हैं। डीएचए सिटी के अंदर सेक्टर 3 में आबादी है, स्कूल है यहाँ पर मौजूद। जो लोग डीएचए सिटी कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग जरूर इस वक्त इन्वेस्ट करें, ये राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। इस मौके पर डीएचए सिटी और इजी बिल्डर्स के मेंबर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज कराची।